एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी देखिए टाइम हो रहा है 5:10 और मैं कल और आज दिन भर कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, अभी बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं कारण बताती हूँ, पहले बाहर चलती हूँ। देखिए कितनी बारिश हो रही है 2 दिन से, और अभी अभी थोड़ा मौसम खुल रही है। आप लोग ऊपर देख सकते हो मौसम थोड़ी थोड़ी अभी खुल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए ये जो कपड़े हैं ये हिल रहे हैं ना, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी देखिए थोड़ा सा सन उधर से दिख रही है और थोड़ा थोड़ा बादल खुल रही है। और मेरी वीडियो ना बना पाने का कारण यही है, कल और आज के दिन मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि हमारा कल से लाइट नहीं थी घर में पूरा। कल सुबह 9:30 से लाइट चली गई थी और अभी आई है बस। तो अभी जैसे लाइट आ गई और मैंने फ़ोन चार्ज पे बिठाई और मैं देखिए, पहले देखिए मेरी पानी को पूरा बॉल हो गई सोने के लिए, और यह भी पानी है, ये भी पानी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए मैं अभी मिल रही हूँ आप लोगों से और बाहर दिखा दिया, मैंने तो गुड इवनिंग बोल भी चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ। अभी शाम का टाइम है, 5:00 है और मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। अभी जितना भी हो सके उतनी मैं क्लिप ले लूँगी अभी। और कल और परसों मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई, कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, अभी से मैं शुरू कर रही हूँ नई वीडियो। और इसीलिए 2 दिन हो गया मतलब वीडियो नहीं जा पा रही है, और जो वीडियो पेंडिंग पड़ी थी वो भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। पहले वो वीडियो जाएगी, फिर ये वाली वीडियो है ना ये जाएगी। तो जो पहला वीडियो में एडिटिंग करके सब कुछ करके उसको अपलोड अभी अभी मैंने जस्ट किया, शाम को लाइट आ गई थी। लाइट आने के बाद मैंने फ़ोन चार्ज पे बिठा के फिर वो मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी है, वो जाएगी, टाइम लगेगा पता नहीं। और नेटवर्क भी नहीं है बारिश की वजह से, लाइट भी नहीं थी और अभी अभी जस्ट लाइट आया। फ़ोन वगैरह कुछ ही में भी बैटरी नहीं थी, बैटरी पूरा फिनिश थी, मोबाइल मतलब स्विच ऑफ होके पड़ा था ऐसा था। और गाइस अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो वीडियो पहले आप लोग देख लो, देखोगे फिर ये वीडियो जाएगी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं पानी यहाँ पर बिठाई हूँ गर्म होने के लिए। पानी तक नहीं थी घर में, जो दूसरे क्वार्टर में जो लाइट थी वहाँ से हम पानी लाके पी रहे थे। आरओ तो चल नहीं रही थी, पानी कहाँ से पियेंगे। पानी हमारे जो दूसरे क्वार्टर से मैं लेके आके उधर से हम पानी पी रहे थे अब तक। और अभी अभी मैंने आरओ चालू किया और पानी यहाँ पर बिठाई हूँ सोनी के लिए। बॉयल वाटर, सोनी के बॉयल वाटर में अलग जगह पे रखी थी, उसको मेरे हस्बैंड ने जो कच्चा पानी है ना उसमें मिलावट कर लिया है, तो सोनी को सूट नहीं होती है, तो इसलिए उसलिए देखिए पानी बॉयल करने के लिए बैठाई हूँ। और ये थोड़ा सा पानी अच्छे से बॉयल कर लिया उसको पिलाने के लिए अभी अभी जस्ट। मैं तो लेट रही थी और मेरे हस्बैंड ने ये सब कर लिया है यहाँ पर आके, तो इसलिए मैं पानी थोड़ा ठंडा करके सोनी को पिला रही हूँ अभी। और कारण यही है लाइट की वजह से ना तो ब्लॉग बन पाई ना तो ब्लॉग अपलोड हो पाई। तो चलो ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। और अभी टाइम 5:00 है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बना के पीऊँगी और रात को देखती हूँ कुछ डिनर वगैरह बनाऊँगी। देखिए गाइस फिर से लाइट चली गई है, पूरा अंधेरा है। आप लोग मतलब आपको यकीन नहीं होगा मैं कह रही हूँ, देखिए फिर से लाइट चली गई है और मेरी चाय बन चुकी है, दिखा देती हूँ बैग के। देखिए मेरी चाय बन चुकी है, मैं चाय पी लेती हूँ। और ठंड लग रही है बहुत, फिर से पता नहीं बादल बादल आ रहा है, खुल रही थी मौसम लेकिन फिर से बादल आ रही है। और यहाँ पर बच्चों को मैंने पेस्ट्री अभी भी खरीद के दिया था, आई थी गाड़ी तो वही खा रहे हैं बच्चे। देखिए और यहाँ पर लाइट नहीं है, देखिए बापी खा चुका है और सोनी खा रही है। ये देखो बेड के ऊपर खा के ऐसे गिराते हैं दोनों। और गाइस इसे मौसम से ना बहुत अजीब सा लग रहा है, तो चलो चाय पी लेती हूँ मैं पहले, फिर मिलती हूँ। अंधेरे में क्या वीडियो ब्लॉग बनाऊँ, तो चलो जब लाइट आएगी तब मिलूंगी। देखिए गाइस
कल शाम की चाय दिखाई थी, अभी सुबह की चाय दिखा रही हूँ। मेरी सुबह की चाय मैंने बिठा लिया है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी के लिए ग्रीन टी बनाऊंगी और अब पहले मैं भगवान जी का दर्शन करूँ। टाइम हो रहा है 8:20। यहाँ पर मेरे लिए चाय बिठाई हूँ और यहाँ पर ग्रीन टी बनाऊंगी। पानी जोर जोर से तेज बॉयल हो रही है, यहाँ पर मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ फटाफट मेरे हस्बैंड जी के लिए। देखिए क्योंकि उनकी ओवर वेट हो रहे हैं ना, उनको वेट भी कम करनी है तो वो ग्रीन टी पियेंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन टी बना रही हूँ। लाइट सुबह सुबह लाइट बहुत कम होती है वोल्टेज भी। स्पून करी ग्रीन टी डालूंगी उनके लिए, कड़वा हो जाती है। देखना गाइस, मुझे ग्रीन टी बनानी नहीं आती है, फिर भी इसमें जो लिखा है ना उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। लेकिन इसमें विदाउट शुगर की बनाई है, बनाने को बोला है बस पत्तियाँ डाल के। लेकिन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हनी और लेमन, नहीं तो हस्बैंड जी को बहुत कड़वा लगता है, बोलते बहुत कड़वा लग रहा है। हनी और लेमन ऐड करके देना। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टी बन रही है और मेरी चाय भी उबल रही है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हाँ लेम्बू और मोहू भी तक। यहाँ पर सोनी सो रही है, बाकी भी सो रहा है, मेरी चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, मैं मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले मैंने रात को बॉईल कर लिया था और सुबह इसको तड़का लगा रही हूँ। छोले और रोटी खाएंगे, तो छोले को मैं सिंपल से तड़का लगे हूँ। प्याज लहसुन अदरक ये सब छोटे छोटे मतलब ग्रेट कर लिया है, टमाटर सूखी लाल मिर्च और सारे ड्राई मसाला दे के इसको तड़का लगा दूँगी और रोटी बना लूँगी। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह सुबह जो भी कुछ कर रही थी वो मैं दिखा दिया और कल से मैं वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ और कल मैं शाम के टाइम वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई थी और सुबह मैंने फिर से शुरू कर दिए ब्लॉगिंग और कुछ तैयारी चल रही है। देखिए अभी खाना बना बना रही हूँ। सुबह नाश्ते के लिए मैंने बनाई थी छोले की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी और बच्चे खा चुके हैं। देखिए सोनी क्या कर रही है, पोछा लगा रही है बालकनी में। और देखिए मैं घी निकाल रही हूँ डायरेक्ट, जो मलाई से एक बार मैंने तैयार की हुई हूँ कि मैं कैसे घी निकालती हूँ, तो वही कर रही हूँ। देखिए डायरेक्ट मलाई से मैं घी निकाली हूँ, फटाफट ये निकल जाएगी। कोई मतलब मक्खन वक्खन नहीं निकालती हूँ, डायरेक्ट मलाई मैं कढ़ाई में डाल के निकालती हूँ। और देखा और यहाँ पर मेरी दाल और आलू सीटी लग चुकी है, चावल बनानी बाकी है। और यहाँ पर छोले दिखा देती हूँ, सुबह बना रही थी आप लोगों को, तो लाइट नहीं आ रही थी। ये देखिए छोले बनाई थी सिंपल से और यहाँ पर रोटी बना के रखी हूँ। मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट नहीं किए, बोले मुझे नहीं भूख है तो नहीं खाया, बच्चे खा चुके हैं और बहुत सारे काम घर पे पड़ा है वो मैं कर लेती हूँ। पहले घी निकालनी है और मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में, और मैं घर जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं ना वो धुल चुके हैं उसको सुखा देती हूँ। अभी अभी धूप निकली है, सुबह देखा आप लोगों ने कितनी मतलब बारिश, 3 दिन से बारिश ही हो रही है, धूप है लेकिन छाव जो है अच्छे से धूप नहीं निकली है। फिर भी कपड़े में डाल देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर चावल बनाऊंगी, दाल और आलू की तड़का लगाऊंगी और सब्जी तो छोले की है, दाल बना रही हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को चाहिए
डाल, नहीं तो नहीं खा पाएंगे बच्चे। तो ये जब तक मेरी बन रही है, मैं तब तक कपड़े सुखा के आ जाती हूँ और थोड़ा घर दिखा देती हूँ। ये सोनी क्या कर रही, देख पूरा पोछा लगे इसे कल कर ले। पूरा पोछा लगा ली है सोनी है? ये सॉक्स गिली हो रही है सोनी, देखो सॉक्स सॉक्स उदा कर चुकी है बाहर से। अंदर अंदर आओ, देखिए थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है अभी। चलो फटाफट कपड़े निकाल लेती हूँ और यहाँ पर बाकी फिर से लाइट चली गई ना, देखो फिर से लाइट चली गई। बाकी देखिए कंबल के अंदर, ये नाश्ता वास्ता कर चुका है लेकिन कंबल के अंदर है, ठंडी लग रही है। और मशीन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने चालू कर दिया था, अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मेरी का पूरा काम हो चुकी है किचन की, खाना वाना बना लिया है और पूरा बर्तन बर्तन साफ कर लिया है मैंने। एक बार दिखा देती हूँ, देखिए गैस पूरा काम हो चुका है। देखिए घी निकल रही थी, घी भी निकल गई है। चावल और सब्जी रोटी बनेगी मेरे हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ पर देखिए पकौड़ा मैंने फ्राई किया है थोड़ा, और यहाँ पर दाल, और ये पूरा खाना बन चुका है। और यहाँ पर पूरा बर्तन भी साफ कर लिया है। अभी जाती हूँ बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो दोनों नहा चुके हैं। सोनी खाना खाना है, खाना है, खाना खाना है। मुंडो के अंदर ले गो जी कहां ए तकानो कोन हो जबो, ये तो धीमू छ गए मेरी। तो गाइस आप लोगों ने देखा, सोनी बेड के ऊपर लेट रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे ऐसे एहसास हो गया अभी अभी जस्ट। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट किया सैटरडे शाम के टाइम से, और ये संडे का दिन का सुबह से लेकर मतलब दोपहर का टाइम तक का ब्लॉग है ये। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई, मंडे ट्यूसडे ऐसे ही चला गया, मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। इसके रीज़न बता देती हूँ कि दोनों मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, मतलब सोनी को दोपहर में ही बुखार आ गया था और बापी को उसी दिन रात को बुखार आ गया है। तो अभी मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ। और आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन थोड़े बच्चे मेरे अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, डॉक्टर दिखाया, दवाई चालू है, तो बच्चे दोनों मेरे थोड़ा अच्छे हैं। तो मैं अभी ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और ये दोपहर का टाइम का था, तो खाना बना बना के मैं खाना लगा रही थी। तो यही रीज़न है कि मैं मंडे और ट्यूसडे कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। और ये ब्लॉग शायद वेडनेसडे में जाएगा, और एडिटिंग मैंने तो कर लिया है, कल इसको मैं अपलोड कर लूँगी आप लोगों के लिए और आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। गाइस थोड़ी बहुत बीच में दिक्कतें आ जाती हैं तो इसीलिए ब्लॉग मेरी रुक जाती है। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, और अपना ध्यान जरूर रखना।